यहाँ का कृषि मंत्री अगर बयान देगा, यहाँ का मुख्यमंत्री बयान देगा, अगर कमल पटेल बयान देगा तो किसान का नाम लेगा सबसे पहले, और वो कहता है टीवी पे मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा। एक दिन हमने उनसे पूछा भाई, और यहाँ के किसान से पूछा भाई ये कुछ काम कर रहा है या वैसे ही कर रहा, तो कह रहा जी मैं तो जो सरकार के मौके देता हूँ। तो कम से कम किसान का नाम ले रहे हैं और किसानों को ना भूल रहे ये, इसलिए ये आंदोलन है। मध्य प्रदेश के दौरे को किस हिसाब से देखा है सर, इससे आगे भी चल के कुछ राजनीति? बिल्कुल नहीं, राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम किसानों को जागरूक करेंगे। मध्य प्रदेश का किसान हो या महाराष्ट्र का या तेलंगाना का हो, तेलंगाना की पॉलिसी पूरे देश में लागू होनी चाहिए। वहां पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ वे डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, किसान कोई फसल बोए। अगर वो पॉलिसी यहाँ पर लागू हो जाएगी, अगर किसी किसान पर 10 एकड़ जमीन है तो 1,00,000 रुपए उसको साल भर में मिल गए, तो उसका खाद पानी का उसका काम चलेगा। तो हम तो एक स्टेट की पॉलिसी दूसरे स्टेट में बताते हैं, यहाँ पर पता रहना चाहिए ना किसानों को भी कि तेलंगाना सरकार अपने किसानों को ये दे रही, वो बिजली फ्री दे रही है। राकेश टिकैत से किसान बहुत ज्यादा प्रभावित है, मैं ये चाहूंगा कि मध्य प्रदेश या मेरे नगर की अगर हम यहाँ की बात करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि किसान जागरूक हो, अपने हकों की बात करें और अपनी फसलों को आधे रेट में ना बेचे। जब दिल्ली का आंदोलन हो तो उस आंदोलन में यहाँ भी भागीदारी करें। कब भोपाल घेरना पड़ जाए, कब हमको भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ जाए, उसकी तैयारी रखना। अगला आंदोलन देश की और स्टेट की राजधानी पर होगा। सरकार कह रही है कि हम तो किसानों की बात मान रहे हैं, और हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार, हम भी तो यही कह रहे हैं कि सरकार किसानों की बात मान रहे, हम भी तो यही कह रहे हैं। भोपाल को दिल्ली बनाना पड़ेगा, हर स्टेट की राजधानी को दिल्ली बनाना पड़ेगा, अगला आंदोलन ये होगा।